आज मेरे साथ मौजूद है हंसना मना है में पर्दे में रहने दो की पूरी टीम। अब ये है कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने इतनी अजीम शान ऑडियंस बैठी है, पागल लोग थोड़ी है बैठे हुए, बस ये बात करने आए, इनसे बात करूंगा मैं और एक सवाल दिल में लेकर आए। हाँ भाई, किसके पास सवाल है? आपके पास सर? हाँ पूछे। अली रहमान साहब से है सवाल कि आपकी फिल्म में जो मसला हुआ था उस मसले का कोई हल ढूंढा है कि नहीं ढूंढा? वो तो अब ईद आ गई, अब आपको जाके देखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपको इस मसले में मसले का हल है मगर वो फिल्म देख इनको क्यों? अंकल आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे। मसला ही नहीं है, आप इस मसले का इलाज ना ढूंढे। क्यों? आपको मतलब कहते ना वो 2 बच्चे ही काफी हैं, आपने क्या 3 बार देख लिया इश्तिहार? ये भी तो है, जितने बच्चे ज्यादा हैं इतने बच्चे ज्यादा उतनी आमदन ज्यादा। कौन दे रहा है आपको बच्चों के पैसे? और भाई और कोई सवाल? आमदन ज्यादा क्या, बच्चों को किस काम पे लगाया हुआ आपने? मेरा सवाल हानिया मैम से है। एक सेकंड रुकना, मेरा सवाल तू कौन वजीर आजम है? नाम बता यार। मेरा सवाल हानिया मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास हीरो चूज करने की ऑप्शन होती तो अली रहमान के अलावा आप किसको हीरो चूज करती? बड़ा सवाल है ये, ऑप्शन होती तो ये तो थोड़ी, ये थोड़ी करती। मेरी तरफ उस्मान मुख्तार। अच्छा एक्टर है उस्मान मुख्तार, हो गया, बड़ा सुकून मिल गया आपको। हो गया आपका, आज आप रात चैन से सो सकते हैं इस बात पे। हाँ हेलो, दिस इज तारा खान। आप फोन पे बात कर रही हैं तारा? नहीं, इस तरह की कॉलें आती हैं एफएम पे रात में 12 बजे वाले शो में। हेलो हेलो, तारा बात कर रही हूँ। तेरी जुल्फों से इस तरह का म्यूजिक भी चल रहा होता है। आप सर पे चश्मा लगा के आई हैं, दिमाग की आंखों से देख रही हैं आज। बताइए बताइए सवाल, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर गया आपको। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम शाजिया एंड फ्रॉम यू सर, कि हानिया और अली रहमान में से आपका फेवरेट कौन है? मतलब आप दोनों बता दें वन बाय वन। देखिए अगर दोनों में से एक फेवरेट होता तो मैं यहाँ बैठ के तो नहीं बोलता। दोनों फेवरेट हैं, दोनों जबरदस्त एक्टर्स हैं,